एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ एक ऐसा फेस मास्क शेयर करने जा रही हूँ जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल एंड इफेक्टिव है। ये फेस मास्क आप अपने डेली स्किन केयर रूटीन में ऐड कर सकते हो और ये फेस मास्क हमारे स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ एंड ग्लोइंग बनाता है, स्किन टोन को इम्प्रूव करता है एंड हमारे स्किन को फेयर बनाता है, डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स को फेड करता है, फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को खत्म करता है, रिड्यूस करता है, हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है एंड ड्राई स्किन को रिपेयर करता है। और इस फेस मास्क को बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है जो कि सभी के घर में इजीली अवेलेबल रहता है और आप सभी घर में इसको इजीली बना सकते हो। सो ये फेस मास्क हमारे स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो इसको ज़रूर घर में आप ट्राई करें। सो इस फेस मास्क को बनाने के लिए हम फर्स्ट इन्ग्रीडियंट लेंगे बनाना। बनाना में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं जैसे कि विटामिन ए, बी, सी एंड ई, जो कि हमारे स्किन टोन को इम्प्रूव करता है, स्किन को ब्राइटन बनाता है, डार्क स्पॉट्स एंड एक्ने को कम करता है, स्किन को रिंकल फ्री बनाता है, मॉइस्चराइज करता है, ड्राई स्किन को रिपेयर करता है एंड स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ एंड ग्लोई बनाता है, यंगर लुकिंग बनाता है। एंड सेकेंड इन्ग्रीडियंट लेंगे मिल्क। मिल्क हमारी स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ एंड ग्लोइंग बनाता है। इसमें लैक्टिक एसिड एंड पोटेशियम पाया जाता है जो कि हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है एंड नरिश प्रोवाइड करता है। और मिल्क बहुत ही अच्छा टोनर एंड एज अ मॉइस्चराइजर भी बहुत अच्छा वर्क करता है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है जो कि हमारे स्किन को यंग बनाता है। सो इस फेस मास्क को बनाने के लिए हम सबसे पहले हाफ बनाना लेंगे, इसको पील ऑफ कर लेंगे और इसको छोटे छोटे पीसेस में एक बाउल में कट कर लेंगे। सो गाइज, बनाना जितना ज़्यादा पके हो उतना अच्छा रहेगा, सो आपको पके हुए बनाना लेना है जो ज़्यादा पका हुआ हो। और इस तरह से फोर्क के हेल्प से बनाना को अच्छे से मैश कर लेंगे एंड एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे इसका। और अब एक क्लीन बाउल में 2 स्पून बनाना पेस्ट लेंगे और उसमें ऐड करेंगे हम 1 स्पून मिल्क। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह का पेस्ट बना लेंगे और ये हमारा फेस मास्क तैयार है। अब इस मास्क को फेस पर अच्छे से लगा लेना है हाथ या ब्रश के हेल्प से। इस मास्क को आप हैंड्स और लेग्स पर भी लगा सकते हो, ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसको फेस पर लगाने के बाद 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही फेस पर अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। तो देखिए, मैं लगा रही हूँ, इस तरह से आपको पूरे फेस पे अच्छे से लगा लेना है। और इस तरह से अच्छे से फेस पे लगाने के बाद इसको फेस पर ऐसे ही 15 से 20 मिनट तक के लिए अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे फेस पर, ठंडे पानी से फेस वॉश कर लेंगे। और गाइज, ये फेस मास्क वैसे तो सभी स्किन टाइप के लिए बहुत ही अच्छा है, बट ड्राई स्किन के लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें मिल्क एंड बनाना है जो कि हमारे स्किन को काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज करता है। अगर आपका स्किन ज़्यादा ऑयली है तो आप इस फेस मास्क में मिल्क की जगह आप इसमें लेमन जूस ऐड कर सकते हो। ये फेस मास्क आप डेली लगा सकते हो, आप रेगुलर लगाओगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे इसके बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। एटलीस्ट वीक में 3 दिन ज़रूर लगाना चाहिए, आप वैसे इसको डेली लगा सकते हो। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप इस जब बनाना खाते हो तो आप उस टाइम पे बनाना का जो छिलका होता है उसको आप फेस पे रब कर सकते हो 1-2 मिनट के लिए, फेस वॉश कर लोगे तो आप देखोगे आपके स्किन पे इंस्टेंट ग्लो आ जाता है। बट अगर आपको अच्छे इसके बेनिफिट्स और अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको ये रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा। आप इस फेस मास्क के 1-2 यूज़ के बाद ही आप देखोगे कि आपका स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ एंड काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगा स्किन। और अगर आप इस फेस मास्क को 2-3 मंथ्स रेगुलर यूज़ करते हो तो आप देखोगे आपका स्किन टोन में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी, डार्क स्पॉट्स, एक्ने, पिंपल्स खत्म हो जाएंगे, रिंकल्स कम हो। इस मास्क में एंटी एजिंग एंड एंटी ऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ है जो हमारे स्किन को जेंटली नरिश करता है, क्लीन करता है, एक्सफ्लॉइट करता है एंड मॉइस्चराइज करता है, बनाता है, यंगर लुकिंग बनाता है, ये डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स को फेड करता है, फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को कम करता है, उस ड्राई स्किन को रिपेयर करता है। सो गाइज, ये फेस मास्क हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसको आप घर में ज़रूर ट्राई करें। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये फेस मास्क लगाने के बाद कैसा लगा। सो गाइज, अगर आपकी कोई क्वारी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मनीषा ब्यूटी कॉर्नर। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी एंड हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।